हाय दोस्तों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे फिटर थ्योरी में सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, जो क्वेश्चन हर बार आपसे पूछे जाते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपको इस 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ITI के किसी भी ट्रेड से हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके अपने ट्रेड की जो है मॉडल पेपर देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आए हैं। तो हम भाई हम फिटर थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर के है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिटर गियर आपस में कितने कोण पर फिट होता है। जी हाँ, जो मिटर गियर होता है वह कितने कोण पर फिट रहते हैं। ऑप्शन है 30 अंश, बी है 45 अंश, सी है 90 अंश और डी है 120 अंश। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों, मिटर गियर जो है आपस में 90 अंश के कोण पर फिट रहते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, और वीडियो के लास्ट तक आप बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री की सोल प्लेट किसकी बनी होती है। जी हाँ, जो विद्युत इस्त्री की सोल प्लेट होती है वह किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है नाइक्रोम, सी है डलवलवा और डी है टीन। तो ऐसे करते हैं दोस्तों, काफ़ी लोग हो जो बी ऑप्शन मार देंगे, लेकिन राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ढलवा लोहा। जी हाँ, ढलवा लोहा जो है इलेक्ट्रिक इस्त्री की जो सोल होती है ढलवा लोहे की बनी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है स्टेनलेस स्टील, बी है कार्बन स्टील, सी है माइल्ड स्टील और डी है ब्रास। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन ए, स्टेनलेस स्टील का बना होता है स्टैंडर्ड आपका स्टील रूल, क्योंकि दोस्तों स्टील रूल में जंग नहीं लगती और स्टेनलेस धातु में भी जंग नहीं लगती, इसीलिए जो स्टील रूल होता है वह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है। जी हाँ, कौन सा कैलिपर है जिसे हम 3 नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, बी है आंतरिक कैलिपर, सी है बाह्य कैलिपर और डी है डिवाइडर कैलिपर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका कौन सा होगा, आपको पता चल गया होगा क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है राइट आंसर है ए, जेनी कैलिपर। जी हाँ, इसे 3 नामों से जानते हैं, जेनी कैलिपर, ऑडले कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट या लंगड़ा कैलिपर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्य में प्रयोग किया जाता है। कौन सा हथौड़ा जो है भारी कामों में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, बी है क्रॉस पिन हैमर, सी है सीधा पिन हैमर और डी है स्लेज हैमर। तो राइट आंसर आपका होगा साथियों ऑप्शन डी, स्लेज हैमर को प्रयोग में हम लाते हैं भारी कार्यों में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर में एक MSD व एक VSD का अंतर कितना होता है। जी हाँ, वर्नियर कैलिपर में जो MSD और VSD के बीच का अंतर होता है वह कितना होता है। ऑप्शन है 0.02 mm, ऑप्शन बी है 0.001 mm, सी है 0.002 mm, डी है 0.2 mm। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन है 0.002 mm होता है। आगे चलते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, एनविल के किस पार्ट को बीक कहते हैं। जी हाँ, किस पार्ट को हम बीक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है स्क्वायर होल, बी है निचले भाग को, सी है गोल टेपल्ड सिरे को, डी है आयताकार ऊपरी सरफेस को। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह कौन सा होगा, एनविल के किस पार्ट को हम बीक कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्वायर होल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है। जी हाँ, वेल्डिंग के लिए जो तापमान है वह कितना आवश्यक होता है। ऑप्शन है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम वेल्डिंग को करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। अलग अलग मटेरियल, जिस प्रकार का मटेरियल रहता है हम उसके हिसाब से जो है वेल्डिंग के टेम्परेचर को कम बेसी करते हैं, वैसे आप 3500 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है डबल स्टार्ट, बी है राइट हैंड, सी है लेफ्ट हैंड और डी है एक्मे। तो दोस्तों, ऑक्सीजन के सिलेंडर के रेगुलेटर पर जो थ्रेड कटी होती है वह होती है, राइट आंसर है आपका दोस्तों राइट हैंड थ्रेड। जी हाँ, ऑक्सीजन के सिलेंडर रेगुलेटर पर जो है
राइट हैंड थ्रेड की चूड़ी कटी होती है। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मशीन का स्नेहन किस विधि के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेविटी फीड विधि द्वारा, ऑप्शन बी है फोर्स फीड विधि द्वारा, सी है स्प्लैश विधि द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका, मशीन का स्नेहन हम ऑप्शन ए ग्रेविटी फीड द्वारा भी करते हैं, बी फोर्स फीड विधि द्वारा करते हैं, सी है स्प्लैश विधि द्वारा भी करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।